मेरा कुछ कहना उचित नहीं होगा क्योंकि डिफरेंट एजेंसी है वो काम कर रही है और दूसरी एजेंसी काम कर रही है, उसमें मेरा क्या कमेंट है। मुझे इस बारे में कुछ नहीं कहना है क्योंकि मुझे तो क्वारंटीन जो है वो बीएमसी ने किया था और वो भी मुझे नहीं किया था, मैं बोलूंगा इन्वेस्टिगेशन को क्वारंटीन किया गया था। इस मामले में हमारी आधिकारिक पुष्टि भी हो गई है, बिहार पुलिस मुख्यालय ने भी लेटर लिखा है और उसमें स्पष्ट रूप से वर्णन था कि हम लोग इन्वेस्टिगेशन तो नहीं कर पाए। उसमें मेरा कुछ कहना उचित नहीं होगा क्योंकि डिफरेंट एजेंसी है वो काम कर रही है और दूसरी एजेंसी काम कर रही है, उसमें मेरा क्या कमेंट है। मुझे इस बारे में कुछ नहीं कहना है क्योंकि मुझे तो क्वारंटीन जो है वो बीएमसी ने किया था और वो भी मुझे नहीं किया था, मैं बोलूंगा इन्वेस्टिगेशन को क्वारंटीन किया गया था। कोई भी एजेंसी हो हम सब लोग मिलकर काम करते हैं और हमेशा हमें कदम मिलाकर चलना होगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि मुझे क्वारंटाइन किया गया, ऐसा नहीं है कि मुझे क्वारंटाइन किया गया। हाँ ये जरूर है कि इन्वेस्टिगेशन को क्वारंटाइन किया गया और बिहार पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही थी उसमें हम लोग को बाधा पहुंची, अच्छी यादें लेके जा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। हालांकि जो इन्वेस्टिगेशन हम लोग करने आए थे जिस स्पीड के साथ करने आए थे उसे नहीं कर पाए। इस मामले में हमारी आधिकारिक पुष्टि भी हो गई है, बिहार पुलिस मुख्यालय ने भी लेटर लिखा है और उसमें स्पष्ट रूप से वर्णित था कि हम लोग इन्वेस्टिगेशन तो नहीं कर पाए, लेकिन हाँ इन्वेस्टिगेशन जो करने आए थे हम लोग, वो मेरे आने के बाद इन्वेस्टिगेशन प्रभावित हुआ चूंकि क्वारंटाइन होने की वजह से इन्वेस्टिगेशन एक तरीके से क्वारंटाइन हो गया। व्यक्ति का बात नहीं है, ये प्रक्रिया की बात है। इसमें किसी व्यक्ति के क्वारंटाइन, मेरा या किसी और के क्वारंटाइन होने सवाल नहीं उठता है। सवाल ये है कि हाँ प्रक्रिया जो हम लोग करने आए थे वो जरूर बाधित है।